दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की टू द पॉइंट का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 जारी किया गया है। यह सूचकांक आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के विल्ट हंगर हिल्फ नामक संगठन ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। इससे पहले तक इस इंडेक्स के प्रकाशन में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सहभागी था। इस साल के इंडेक्स में विश्व स्तर पर भूख और अल्प पोषण की स्थिति को 20.0 स्कोर के साथ मॉडरेट और सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। इस सूचकांक में 117 देशों में भूख की स्थिति का आकलन किया गया है। इन देशों में भारत को 102वीं रैंक मिली है। इंडेक्स में बेलारूस सहित 17 देशों को शीर्ष रैंक मिली है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर रहा है। यदि रैंकिंग के मापदंड की बात करें तो इंडेक्स में रैंकिंग 4 संकेतकों यानी इंडिकेटर्स के आधार पर की जाती है। ये 4 संकेतक हैं: अंडर नॉरिशमेंट यानी अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी ऊंचाई की तुलना में कम वजन, चाइल्ड स्टंटिंग यानी उम्र की तुलना में कम ऊंचाई, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण के तहत जनसंख्या के उस भाग को आंका जाता है जो पर्याप्त कैलोरी ग्रहण क्षमता के कारण अल्प पोषित रहता है। इनमें से बच्चों से जुड़े संकेतकों में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। रैंकिंग के लिए 100 पॉइंट्स स्केल यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्केल में 0 सबसे अच्छी स्थिति यानी नो हंगर और 100 सबसे बुरी स्थिति मानी जाती है। इंडेक्स के मुताबिक बेलारूस सहित 17 देशों का GHI स्कोर 5 से भी कम है। बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है। यदि भारत की स्थिति की बात करें तो पिछले साल की तुलना में भारत एक पायदान ऊपर खिसक गया है। वर्ष 2018 में भारत को 103वीं रैंक मिली थी। 100 पॉइंट्स स्केल में 30.3 अंकों के साथ भारत भूख से पीड़ित गंभीर देशों की श्रेणी में शामिल है। रैंकिंग में भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी निचले पायदान पर है। ब्रिक्स देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6 से 23 महीने के बच्चों में से मात्र 9.6% को न्यूनतम पौष्टिक आहार मिल पाता है। भारत में वेस्टेड चिल्ड्रेन यानी ऊंचाई की तुलना में कम वजन वाले बच्चों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी चिंता का विषय माना गया है। भारत में प्रत्येक 5 में से 1 बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई की तुलना में कम है। यहाँ 20.8% बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग के मामले पाए जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साल 2014 के बाद से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है।